ऐसे राजा के राज्य में योग क्षेम नहीं प्राप्त होता, किंतु जिस देश का राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है वहाँ के लोग सुख से सोते और सुख से जागते हैं। वे अपने राजा के सद्व्यवहार और सुंदर राज्य व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। उस राज्य में समय पर वर्षा होती तथा वहाँ की प्रजा योग क्षेम से संपन्न एवं अपने शुभ कर्मों से समृद्धिशालिनी होती है। जो पृथ्वी दान करता है वही कुलीन, वही बंधु, वही पुण्य आत्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को धन धान्य से संपन्न भूमि दान करते हैं वे इस पृथ्वी पर सूर्य जी के समान ददीप्यमान होते हैं। जैसे जमीन में बोए हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमि दान करने से सब प्रकार की कामनाएं सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा जी, चंद्रमा, अग्नि और भगवान शंकर जी, ये सभी भूमि दान करने वाले का आदर करते हैं। समस्त जीव पृथ्वी से ही उत्पन्न और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार प्रकार के प्राणियों का शरीर पृथ्वी का ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत की माता और पिता है, इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है। हे युधिष्ठर, इस विषय में जानकार लोग बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जब इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देकर बड़े बड़े सो यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी से पूछा, हे भगवान, किस वस्तु का दान करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, जिसका फल अक्षय और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बताने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, जो बुद्धिमान सुवर्ण, गऊ और पृथ्वी का दान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानता, अन्य विद्वानों की भी यही सहमति है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो योग युक्त होकर ब्रह्म लोक में जाते हैं वे भी भूमि दान करने वाले से आगे नहीं बढ़ते। भूमि दान करने वाला मनुष्य अपनी 5 पीढ़ी तक के पूर्वजों का और 6 पीढ़ियों तक पृथ्वी पर आने वाली संतानों का, इस तरह कुल 11 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो रत्नों की दक्षिणा से युक्त पृथ्वी का दान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। भूमि दान करने वाले को परलोक में मधु, घी, दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियाँ तृप्त करती हैं। राजा भूमि दान करने से सब पापों से छुटकारा पा जाता है। भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को शास्त्रों से जीतकर ब्राह्मण को दान से देता है उसकी कीर्ति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक यह पृथ्वी कायम रहती है। जो परम पवित्र और समृद्धि रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है उसको उस दान के प्रभाव से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो उसे सदा सुपात्र ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए। मनुष्य पृथ्वी दान के साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत, वन, तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, स्नेह अर्थात घृत आदि और सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त करता है। बहुत सी दक्षिणा देकर अग्निस्तोम आदि यज्ञ करने पर भी
उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो भूमि दान करने पर मिलता है। भूमि का दान करने वाला अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है और देकर छीन लेने वाला मनुष्य अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में ढकेलता है तथा स्वयं भी नरक में पड़ता है। जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता है तथा जो देकर फिर ले लेता है वह मृत्यु की आज्ञा से वरुणापाश में बंधकर तरह तरह के कष्ट पाता है। जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है ऐसे ब्राह्मण की दूसरों से मिली हुई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए। दरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छीन जाने पर दुखी होकर जो आंसू बहाते हैं वह छीनने वाले की 3 पीढ़ियों का नाश कर देता है। जो राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बिठा देता है वह पुरुष स्वर्ग में जाता है। जिस भूमि पर गन्ना जौ अथवा गेहूं की खेती लहलहा रही हो, जहां गऊ और घोड़े आदि वाहनों की भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो तथा जो सब प्रकार के रत्नमय उपकरणों से अलंकृत हो, ऐसी भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान कर देता है उसे अक्षय लोक मिलते हैं। उसका वह दान भूमि यज्ञ कहलाता है। जो पुरुष पृथ्वी का दान करता है वह अपने सब पापों का नाश करके विशुद्ध और सत्य पुरुषों के आदर का पात्र हो जाता है। जगत में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। जैसे पानी में पड़ी हुई तेल की बूंद सब ओर फैल जाती है, उसी प्रकार दान की हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है उतना ही उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी दान करने वाले मनुष्य को अमृत उत्पन्न करने वाली भूमि प्राप्त होती है। भूमि दान के समान दान, माता के समान गुरु, सत्य के समान धर्म और दान के समान कोई खजाना नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, बृहस्पति जी के मुंह से भूमि दान का यह महात्म्य सुनकर इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई यह पृथ्वी उन्हें दान कर दी। जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वी दान के इस महात्म्य को सुनता है उसके श्राद्ध कर्म में पितरों को अर्पण किए हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते। पितरों के निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को यह भूमि दान का महात्म्य अवश्य सुनावे। हे युधिष्ठर, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब दानों में श्रेष्ठ पृथ्वी दान का महत्व सुनाया है। सारे बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय। अनुशासन पर्व अध्याय 266 अन्न सुवर्ण तथा जल आदि दान करने का महात्म्य। युधिष्ठर ने पूछा, हे पितामह जी, जिस राजा को दान करने की इच्छा हो वह इस लोक में गुणवान ब्राह्मणों को किन किन वस्तुओं का दान करे? किस वस्तु को देने से ब्राह्मण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं? कौन सा दान इस लोक और परलोक में भी फल देने वाला होता है? इस विषय का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठर, पूर्व काल की बात है, एक बार मैंने देव ऋषि नारद जी से इस विषय में प्रश्न किया था। उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा वही तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, नारद जी ने कहा, देवता और ऋषि अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। अन्न से ही लोक यात्रा का निर्वाह होता है और उसी से बुद्धि को स्फूर्ति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है।
अन्न के समान ना कोई दान था और ना होगा। इसीलिए मनुष्य अधिकतर अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। अन्न के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं और संपूर्ण जगत को अन्न ने ही धारण कर रखा है।